शक्ति प्रदर्शन कर आखिर चीन क्या साबित करना चाहता है? क्या भारत को डराने के लिए ये चीन की कोई नई चाल है? डोकलाम में पिछले एक महीने से भी ज्यादा वक्त से भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है। भारत को डराने के लिए चीन तमाम तरह के हथकंडे अपना रहा है। पहले मोर्चा चीनी मीडिया ने संभाला, लेकिन जब वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ तो अब लगता है कि इसकी जिम्मेदारी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उठा ली है। दरअसल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के 90वें स्थापना दिवस के मौके पर आर्मी परेड निकाली गई। उत्तरी प्रांत के इनर मंगोलिया में आयोजित इस परेड में करीब 12,000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। साथ ही इस दौरान कई अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया। चीनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस परेड में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और करीब 600 किस्म के हथियारों का प्रदर्शन किया गया। वहीं सैनिक वर्दी में खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस परेड में शामिल हुए और चीन की ताकत की हुंकार भरी। इस मौके पर उन्होंने जो कुछ कहा उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल इस मौके पर अपनी सेना को संबोधित करते हुए चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेना किसी को भी हराने में समर्थ है। साथ ही उन्होंने चीनी सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन शी जिनपिंग का इशारा जाहिर तौर पर भारत का ही था। शी जिनपिंग के अब इस बयान को वैसे भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिनपिंग का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच डोकलाम विवाद पर खींचातान जारी है। लेकिन शायद चीन को पता नहीं कि वो कोई भी हथकंडा अपना ले उसकी गीदड़ भक्की का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।